हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर थ्री लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक मटेरियल तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक मटीरियल्स सिंथेटिक मटीरियल आर दोज मटीरियल्स विच आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स फ्राम द केमिकल सब्सटैंस सिंथेटिक मटीरियल वो मटीरियल होते हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं फ्राम द केमिकल सब्सटैंसिस एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक मटीरियल्स के केमिकल फर्टिलाइजर्स डिटर्जेंट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स ये सब एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक मटीरियल के तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में डिटर्जेंट द लेफ्ट ओवर केमिकल सब्सटैंसेज ऑप्टेन फ्रॉम देट्रोलियम प्रोडक्ट वीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू इन्वेंट अट डिटर्जेंट क्या है एक लेफ्ट ओवर केमिकल सब्सटैंसेजेन हुए थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो थे उसको ट्रीट किया गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ताकि एक न्यू सोप लाइक प्रोडक्ट इन्वेंट हो सके तो कौन सा प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ डिटर्जेंट इट हैड सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एज सोप जो डिटर्जेंट है बिल्कुल सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है सोप की तरह डिटर्जेंट का डिटर्जेंट इज कंसिडर बेटर देन सोप एज इट इज मोस्ट सोलबल इन वाटर जो डिटर्जेंट है उसको ज्यादा अच्छा समझा जाता है एज कंपेयर टू सोप क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो सोलबल हो जाती है वॉटर में मोर ओवर लाइक सोप इट वर्क वेल विद हार्ड वॉटर एंड डज नॉट फॉर्मा इनसॉलिबल्स कम और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन्स विद हार्ड वाटर देखिए अगर सोप जो है वो वर्क करती है हार्ड वाटर में तो एक इन सोलिबल्स कम ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स रह जाते हैं हार्ड वाटर में वहीं पर जब डिटर्जेंट जो है अगर वो हार्ड वाटर में भी वर्क करेगा तो कोई भी इनसॉलिबल्स कम नहीं फॉर्म करेगा मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स के इट दस हैज़ लॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सोप डिटर्जेंट जो है उसका बहुत ही अच्छा और स्ट्रोंगर क्लींजिंग एक्शन है एज कम्पेयर टू सोप दो की डिटर्जेंट के बहुत सारी एडवांटेजेस हैं बट डिटर्जेंट्स की बहुत सारी डिसएडवाटेजेस है, भी हैं तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट इज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेबल जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेबल है यानी कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है नेचुरली सॉयल में सेकेंड इज कॉज वाटर पोल्यूशन जो डिटर्जेंट्स है वो वाटर पोल्यूशन हैं थर्ड इज डिस्ट्रॉय और हार्म पोलूशन लाइफ जो डिटर्जेंट है वो डिस्ट्रॉय भी भी कर सकते है, और भी कर सकते हैं और हार्म डिस्ट्रॉयटिक लाइफ को नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स आर दी मेड एंड प्योरली केमिकल केमिकलस्टेंसेज दैट आर एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी फर्टिलाइजर्स क्या है फर्टिलाइजर्स मैन मेड और बिल्कुल केमिकल सब्सटैंसेज है और इनको ऐड किया जाता है सॉइल में ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए देर आर वेरियस वराइटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स बहुत सी ऐसी वराइटीज़ है फर्टिलाइजर्स की जो रिच होती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट इज नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स सेकेंड इज़ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड थर्ड इज़ पोटाशिक फर्टिलाइजर नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय दी प्लांट टू फॉर्म प्रोटीन्स फॉर देयर ग्रोथ जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है क्योंकि जो प्लांट्स है वो प्रोटीन बनाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स आर अमोनियम सल्फेट दैट इज एन एच फोर टू एसओ फोर अमोनियम नाइट्रेट एन एच फोर थ्री अमोनियम फॉस्फेट एन एच फोर थ्री ओ फोर एंड यूरिया दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स third is phosphatic फर्टिलाइजर्स इट इज़ essential फॉर द ग्रूथ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है वो किस लिए ज़रूरी होते हैं रूट डेवलपमेंट रूट के डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स के दे ऑल्सो इंक्रीज दी शुगर एंड द्च कंटेंट ऑफ द बीट रूट पोटैटो एंड द कॉर्न पोटैटोज जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है वो इंक्रीज करते हैं शुगर और स्टार्च कंटेंट किसमें बीट रूट में बीट रूट चुकंदर पोटैटो कॉर्न प्लांट्स, इन सब में फर्टिलाईजर रिच इन टू दीज रिक्वाइजर जो रिच होते हैं में, उनको एड किया जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाईजर आर अमोनियम फॉस्फेट एन एच फोर थ्री पीओ फोर एंड सुपर फॉस्फेट दे लेटर इंक्रीज दिन दी राइटनिंग एंड ऑल्सो इम्प्रूव द्वालिटी ऑफ प्लांट इन जनरल जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं करतेल्ड को भी इन्हांस करते हैं राइपनिंग को भी और साथ ही साथ ये इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल क्वालिटी ऑफ दी प्लांट पोटेशिक फर्टिलाइजर्स पोटेशियम इज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ जैसे आपको पता है कि पोटेशियम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल या एलिमेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए पोटेशियम को एड किया जाता है अर्लियर स्टेज ऑफ दी क्रॉप्स में प्लांट बेनिफिट फ्रॉम इट बिकमिंग स्टॉक स्ट्रोंगर एंड रेजिस्टेंट टू द डिसजेज़ इंक्रीजिंग जो प्लांट है वो पोटेशियम से बेनिफिट होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉगर बन जाएंगे और रेजिस्टेंट हो जाएंगे जो डिसीजेज हो रही है उनसे और सच फर्टिलाइजर ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च प्रोटीन शुगर एंड फैट्स इन प्लांट्स और पोटाशियम फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मदद करते हैं फॉर्मेशन करने के लिए स्टार्च की प्रोटीन की शुगर की फैट की प्लांट्स में Examples of potassium fertilizers are potassium chloride that is KCl, potassium sulfate that is K two SO4 and potassium nitrate KnO3. Usually fertilizers containing one primary element is added. It is called single fertilizers. देखिए जो ज़्यादातर है जो फर्टिलाइजर्स जो कंटेन करते हैं एक सिंगल प्राइमरी एलिमेंट्स वो ऐड किया जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं सिंगल फर्टिलाइजर बट इन सम केसेस फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग मोर देन वन और टू एलिमेंट्स और न्यूट्रिय सच एस पोटेशियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड मिक्सड फर्टिलाइजेशन कभी कभार जो फर्टिलाइजर्स है वो एक से भी ज्यादा एलिमेंट या न्यूट्रंट रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स में और इनको क्या बोलते हैं मिक्सड फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स एस एन पी के दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर नोन टू कम्प्लीट फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो हैं इनको एक कम्प्लीट फर्टिलाइजर्स बोलते हैं क्योंकि ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिय जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को में वो सारे इस फर्टिलाइजर्स पे होते हैं यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज़ वेरी कॉमन बाय द फार्मर्स बिकॉज दे आर इन्सॉलेबल इन वाटर क्वाइट कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट जो यूज़ है फर्टिलाइजर्स का वो फार्मर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो इनसॉलेबल होते, है, होते, है होते हैं वाटर में बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और ईजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं बट जो प्रिकॉशन है वो लेना बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के लिए अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स डाल देंगे तो जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है और सॉइल भी डैमेज हो सकती है इसीलिए फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिय स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक होने चाहिए इट इज़ एडवाइजेबल टू इरीगेट द फील्ड आफ्टर एडिंग फर्टिलाइजर्स ये बहुत ही ज़्यादा एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप फर्टिलाइजर्स डालें तो उसके बाद अपने फील्ड को इरीगेट कर लें आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे थैंक यू